नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। जब भी चुनाव आता है तो सरकारें योजनाओं की बारिश कुछ ज्यादा ही तेज कर देती है, जिससे वोटरों को लुभाया जा सके और किसी भी तरह सत्ता हासिल की जा सके। पश्चिम बंगाल भी इससे अपवाद नहीं है, जहां होली के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव करीब देखकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भूखों और गरीबों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत अब राज्य में महज 5 रुपए में ही भरपेट खाना मिलेगा। माँ की रसोई नाम की इस योजना के ऐलान के बाद से ही माना जा रहा है कि ममता बनर्जी 5 रुपए वाली थाली से 5 साल की सत्ता हासिल करने के जुगाड़ में लगी हुई है। ममतामयी हुई ममता। हाल ही में बंगाल के दौरे पर गए पीएम मोदी ने भले ही निशाना साधते हुए कहा हो कि बंगाल को ममता की आस थी, लेकिन उसे निर्ममता मिली। मगर चुनाव करीब आता देख सीएम ममता तो जनता के लिए ममतामयी नजर आने लगी हैं। छात्रों को स्मार्टफोन, महिलाओं सहित पूरे परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य साथी योजना और छात्र छात्राओं को साइकिल देने के बाद अब खाना भी रियायती दर पर देने की घोषणा जो कर दी है। ममता बनर्जी ने घोषणा की कि कोलकाता में मां रसोई की शुरुआत की है, जिसके तहत कोलकाता के सभी 140 वार्डों में गरीबों के लिए महज 5 रुपए में भरपेट चावल, दाल, सब्जी और अंडा करी उपलब्ध कराया जाएगा। पहले दिन मां की रसोई योजना की शुरुआत कोलकाता के अलावा मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और हावड़ा जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर हुई है। धीरे धीरे इसका पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगा खाना। ममता सरकार की मां की रसोई के तहत महज 5 रुपए में मिलने वाली ये थाली पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर मिलेगी, यानी जो पहले आएगा उसे खाना पहले मिलेगा। ममता सरकार हर प्लेट पर 15 रुपए की सब्सिडी देगी, जिससे आपको ये खाना 5 रुपए में मिलेगा। रसोइयों का संचालन स्वयं सहायता समूह हर दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच करेंगे। ममता सरकार ने इसी साल बजट में इस योजना का ऐलान करने के साथ साथ 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था और ऐलान के महज 8 दिनों के अंदर योजना की शुरुआत भी कर दी गई। सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई ऐसी योजना। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने भले ही अब जाकर 5 रुपए में भरपेट खाना देने की योजना का ऐलान किया हो, लेकिन तमिलनाडु में इस तरह की सस्ते दर पर खाना उपलब्ध कराने की योजना करीब 8 साल पहले ही शुरू हो गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने 19 फरवरी 2013 को अम्मा किचन की शुरुआत की थी। अम्मा के नाम से मशहूर जयललिता की इस स्कीम के तहत 1 रुपए में इडली, 5 रुपए में सांभर चावल और 3 रुपए में दही चावल मिलता था। इस योजना में साफ सफाई और गुणवत्ता वाले भोजन का खासा ख्याल रखा गया था। अम्मा किचन इतनी सफल हुई कि तमिलनाडु से बाहर भी इसकी चर्चा होने लगी। हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर और कई शहरों से लोगों ने आकर अम्मा किचन का अध्ययन किया और फिर दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी इसे लागू करने का फैसला किया। यही वजह है कि बंगाल में ममता सरकार की ओर से शुरू की गई माँ की रसोई योजना को भी अम्मा कैंटीन की तर्ज पर लागू की गई योजना के तौर पर देखा जा रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि ऐसे समय में जब चुनाव आ रही है, ममता सरकार की ओर से शुरू की गई इस 5 रुपए की थाली से टीएमसी को 5 साल के लिए फिर से कुर्सी मिलती है या नहीं।